तनिका ध्यान दी दूंगा विवाह की विवाह कीर्तन गाओ तनी तनिका ध्यान दी कि विवाह कीर्तन कहल के करे जा जब राजा जनक जी प्रण ठाने थे कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बेटा अपना होता, बेटी पंच की होती। सारे देश 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 के वीर भूपाए थे, लेकिन धनुष किसी से नहीं टूटा। राजा जनक भी मायूस हो रहे थे, महारानी सुनैना भी मायूस हो रही थी। महारानी सुनैना यही सोच रही थी, विधाता क्या हो गया कि मेरे बच्ची का क्या हो गया कि आरे ऊंची रे अटरिया चढ़ी के। तंगा ध्यान दी दूंगा विवाह की विवाह कीर्तन गाओ तनी तंगा ध्यान दी कि विवाह कीर्तन कहल के करा जा। आरे ऊंची रे अटरिया चढ़ी के, अरे सोचली सुनैना, अरे ऊंची रे अटरिया चढ़ी के, सोचली सुनैना केहन छई न सीता बउआ के भागे। मनी मन सोचती आखिर होगा क्या, कैसे प्रतिष्ठा बचे। इसलिए सुनैना सोचती पिठावाले आई गई रे देश देश के बीर हो। देखेंगे राजा जनक भी मायूस हो रहे थे, महारानी सुनैना भी मायूस हो रही थी। आखिर विधाता क्या हो रहा है, अगर मैं समझता कि वीर विहीन है तो ऐसा अपहरण मैं नहीं ठानता। राजा जनक जी कहते अगर मैं समझता कि वीर विहीन है तो ऐसा अपहरण नहीं ठानते। बेटी के भाव वहां कौनों के बेटी के दाव प्रतिष्ठा पर लाग जा ले तो बाप मतारी के करेजा कैसन कर। देशा रे विदेशावा के वीर लोग अइले बैठे वीर आसना लगाई हे। कैसे बची है सीता बेटी के लाज हो। विधाता कई
कैसे बची है सीता बेटी के लाज हो। कैसे बची है सीता बउआ के लाज है।